अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक हेयर एंड आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। और चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये है अरवी का सालन। आपने अरवी कई टाइप से खाई होगी, तो आज हम बनाएंगे अरवी का शोरबेदार सालन। वैसे तो अरवी कई टाइप से बनती है, पर आज हम शोरबेदार इसको बनाएंगे। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जिसके लिए मैंने ये 250 ग्राम अरवी ली हैं, और इसमें दो प्याज लिया है, और थोड़ी सी लहसुन की कलियां ली है, और दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, दो चम्मच रेड चिली पाउडर है, एक चम्मच नमक है, हल्दी है, और दो चम्मच धनिया पाउडर है। तो अब हम अपनी लहसुन की जो कलियां है ना, इसको हम कट कर लेते हैं, चॉप कर लेते हैं, क्योंकि हम अरवी में जो तड़का लगाएंगे ना, वो लहसुन का ही लगाएंगे। लहसुन से ही हम इसको छोक लगाएंगे अरवी में, इसका एक अलग टेस्ट आता है लहसुन से जब लगाते हैं, और फ्लेवर और इन्हेंस हो जाता है। अब हम अपनी प्याज को रफली चॉप कर लेते हैं, क्योंकि इसको हमें ग्राइंडर में डालकर इसका पेस्ट बनाना है, क्योंकि हम इसमें पूरा फ्रेश प्याज नहीं ऐड करते हैं, हम इसको पीस कर इस सालन में प्याज डालेंगे अपनी। और बस इसको हम डाल लेते हैं, दो प्याज, अगर आप चाहें तो आप एक प्याज भी ले सकते हैं, अगर सालन आपको थोड़ा पतला रखना है। और अगर हाँ, आप एक लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मेरा ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी, क्योंकि हम लोग इसको चावल से खाते हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा पतला ग्रेवी रखते हैं। बस अब हमने एक कढ़ाई में तेल हीट हमने रख दिया था, अब उसमें अपनी लहसुन से इसको छोंक लगाया है। अब जब लहसुन ब्राउन होने लगे, तब हम इसमें अपनी पिसी हुई प्याज ऐड कर देंगे। अब हमें इस प्याज को फ्राई कर लेना है, इसका कलर चेंज होने तक। इसको स्पैचुला से आप इसको स्टर करिए थोड़ी देर तक, और फिर आप देखेंगे। और ये जो मैंने मिक्सी में थोड़ा सा जो भी प्याज का पेस्ट लगा हुआ था वो भी डाल दिया, क्योंकि हमको कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। और हमने अपना अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया है, जो कि दो चम्मच था। अब इसको फ्राई कर लेंगे। अब हम अपने सभी मसाले ऐड कर देंगे। मसाले ऐड करने के बाद हमको इसको मिक्स कर लेना है, और अगर आपको पानी की ज़रूरत लगे तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा वाटर ऐड कर सकते हैं, जिससे मसाले थोड़े फूल जाएंगे और अच्छे से भून जाएंगे। हमें अपने मसालों को अच्छे से भूनना है। ये मैंने आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, इससे खुशबू टेस्ट बढ़ जाता है। और अब हम इसको कवर करके अपने मसाले को अच्छे से भून लेंगे, और तब तक मैंने अपना इधर चावल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि हम किसी भी सब्ज़ी या किसी भी सालन के साथ चावल ज़रूर खाते हैं, रोटी और चावल, चावल हमारा कंपलसरी होता है, हम ज़रूर खाते हैं। और देखिए, अब थोड़ा तेल जो है सरफेस पे आने लगा है, इट्स मीन हमारा सालन अच्छे से कुक हो चुका है, भुन चुका है। क्योंकि जो अगर कच्ची स्मेल या रॉ स्मेल अगर सालन में रहेगी तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाइए और अपने सालन को अच्छे से भूनिए, जब तक खूब सारा तेल आपका सरफेस पे ना आ जाए। अब इस पॉइंट पर हम अपनी अरवी ऐड कर देते हैं, और अरवी को सालन में भून लेते हैं अच्छे से। मिक्स करिए और इसको अच्छे से भूनिए। और अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मुझे कोल्ड और फीवर और ये सब हो रहा है, तो इसलिए आई एम नॉट वेल टुडे, बट फिर भी ठीक है। तो अब देखिए, अरवी डालने के बाद भी हमारा ऑयल सरफेस पे आने लगा है। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको और भून लीजिए। और आप यकीन मानिए, अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको कुछ अलग टेस्ट लगेगा, और आपका दिल करेगा इसको फिर से बनाने का, क्योंकि काफ़ी लोग अपने अपने स्टाइल में अरवी बनाते हैं, पर आप इस स्टाइल में भी इसको ट्राई कर सकते हैं। और देखिए, तेल अपना सरफेस पे आ गया है। अब इसमें मैं वाटर ऐड कर देती हूँ, जितना हमको चाहिए। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग वाटर ऐड करिए। अगर आपको गाढ़ा खाना है तो आप कम पानी डालिए, अगर आपको थोड़ा पतला खाना है तो आप ज़्यादा पानी डालिए। जैसे कि आई टोल्ड यू कि हम चावल के साथ भी खाते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा पतला रखूँगी। लेकिन ये पकने के बाद थोड़ी देर बाद और थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, हल्का सा,
तो आप देख लीजिए आपको कैसा रखना है। अब देखिए अच्छे से भुन गया है हमारी अरवी भी, जो ज़्यादा मोटी थी उसको मैंने दो कट लगा लिए थे बीच में से, और जो छोटी थी ठीक साइज़ की थी उसको मैंने ऐसी रहने दिया जाओ था। शाम से नीचे। और अब आप उसको थोड़ी देर पकाएंगे तो ये गल जाएगी अरवी भी। तो अब देखिए हमारा सालन बन के तैयार हो रहा है, और इस पॉइंट पर आप एक दो अरवी लेकर चेक कर सकते हैं कि आपकी अरवी गल गई है या नहीं गली है, क्योंकि ऑफकोर्स कच्ची अरवी तो कोई खाएगा नहीं। तो अब हम अपने सालन जो हमारा पक चुका है, अब हम इसको इस बाउल में सर्व कर लेते हैं, क्योंकि अब ये खाने के लिए एकदम रेडी है। बस अब हम इसको थोड़ी देर के बाद इसको खाएंगे। तो देखिए, और धनिए से गार्निश कर लेते हैं। तो देखिए ये अरवी का मज़ेदार टेस्टी सालन बनकर तैयार हो गया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इस वीडियो को सब में शेयर कर दीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह।